दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में एडवांस फाइंड ऑप्शन का यूज करना। तो दोस्तों अगर आप एक्सेल में एडवांस फाइंड ऑप्शन का यूज करना सीखना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, आपके बहुत काम आएगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह एक्सेल में कुछ नया सीखते रहना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर एक्सेल प्लेलिस्ट वीडियो का लिंक है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने एक्सेल प्लेलिस्ट वीडियो का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो का जो मेन टॉपिक है हमारा एडवांस फाइंड, हमें एडवांस फाइंड ऑप्शन का यूज करना सीखना है। दोस्तों एडवांस फाइंड यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता है, एडवांस फाइंड यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक वाइल्ड कार्ड यहाँ पर होता है। वाइल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे तो आपको पता होगा, नॉर्मल फाइंड हमारा क्या होता है, फाइंड का मतलब हमारा क्या होता है, ढूंढना, सर्च करना, कोई भी डेटा में फाइंड करना है तो हम डेटा ढूंढने के लिए फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं। पर एडवांस फाइंड ऑप्शन की मदद से हम कोई भी डेटा डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए फुल नेम लिखा है तो हम सर नेम डिलीट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह में अगर हमें डेटाबेस वगैरह डिलीट करना है तो हम एडवांस फाइंड ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। और उसके लिए हम लेकिन एक वाइल्ड कार्ड यहाँ पर यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड हमारा यहाँ पर स्टार साइन, आप बोल ले जाए आप स्टार साइन बोल ले, एस्टिक साइन बोल ले, या मल्टीप्लाई का साइन इसे बोला जाता है। जैसे ये साइन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं यही साइन हमारा है जिसको यहाँ पर स्टार साइन आप बोल रहे हैं, या मल्टीप्लाई का साइन भी बोलते हैं, या एस्टिक साइन जिसको यहाँ पर बोला जाता है। तो ये साइन हमें यूज करना है यहाँ पर वाइल्ड कार्ड की तरह, इसके हम एडवांस फाइंड ऑप्शन यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक डेटाबेस हमारा है जहां पर नाम लिखे और नाम के बीच में यहाँ पर हमने स्पेस दिया है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ नाम रखना है, सरनेम हमें यहाँ पर नहीं रखना है। दोस्तों बहुत बार ऐसा ऑफिस में होता है जहाँ पर डेटाबेस आपको दिया जाता है, उस डेटाबेस में बोला जाता है कि आपको सिर्फ वहाँ पे नाम रखना है, सरनेम आपको हटा देना है। डेटाबेस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो भी हम नाम वहां पर रखते हैं और सरनेम वहां पर हटा देते हैं। तो ये कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए आपको ये डेटाबेस सेलेक्ट कर लेना है, ये डेटाबेस आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल और एच बटन, कंट्रोल और एच बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आप इसको यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने विंडो आ जाएगी फाइंड एंड रिप्लेस की। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड वर्ड। फाइंड वर्ड में हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्पेस से पहले अलग रखना है, बाद अलग हटा देना है। तो हमें यहाँ पर स्पेस लगाना है, मतलब स्पेस देना है, और यहाँ पर स्टार लिख देना है, स्पेस स्टार। और नीचे यहाँ पर हमें रिप्लेस विथ, यहाँ पर हमें ब्लैंक छोड़ देना है कि यहाँ पर कुछ लिखना तो हमें है नहीं, ये नाम जो यहाँ पर, ये नाम हमें हटा देना है। तो हमें यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर टिक कर देना है। तो आप देखें छह रिप्लेसमेंट हमें यहाँ पर दिखा रहा, मतलब छह नाम हमारे यहाँ पर थे वो हमारे यहाँ से हट गए। अब अगर आप यहाँ पर देखें खाली नाम शो हो रहा, जो सर नेम थे वो हमारे यहाँ से हट गए। उसके बाद अगर हम दोबारा से यहाँ पर आए, यहाँ पर भी आप देखें सेम डेटाबेस उसी तरह है, बस वहां पर स्पेस था और यहाँ पर कॉमा है। तो यहाँ पर भी डेटाबेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर भी हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और एच बटन, कंट्रोल एच बटन प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल एच यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर भी देखें तो वहां पर हमें क्या देना था, स्पेस और स्टार देना था। यहाँ पर हमें क्या देना है, कॉमा और स्टार दे देना है, मतलब कॉमा और स्टार साइन आप यहाँ पर दे दें। फिर यहाँ पर रिप्लेस ऑल पर आपको टिक लगा देना है। तो आप यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या सिर्फ हमारे नाम रहते हैं, बाकी सरनेम हम यहाँ पर भी हटा सकते हैं। या मान लीजिए हमें नाम नहीं रखना है, खाली सर नेम ही हमें रखना है, तो भी हम कंट्रोल एच यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर आपने क्या लिखा था, कॉमा स्टार लिखा था, आप इसी का अपोजिट आपको कर देना है, पहले यहाँ पर स्टार लगाना है फिर यहाँ पर कॉमा लगा देना है। स्टार और कॉमा आपको यहाँ पर लिखना है, रिप्लेस विथ में आपको यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है, फिर यहाँ पर रिप्लेस ऑल पे टिक लगा देना है। अब अगर आप देखें यहाँ पर सर नेम हमें शो कर रहा है, नाम हमारे यहाँ से हट गए। तो इस तरह से आप एडवांस फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। दूसरी सीट पर आते हैं, यहाँ पर एक और तरह से भी हम एडवांस फाइंड ऑप्शन के यूज कर सकते हैं, वो देख लेते हैं। यहाँ पर है सीट नंबर टू पर, यहाँ पर आप देखें आपके पास यहाँ पर क्या ईमेल आईडी लिखे, हमने यहाँ पर पांच ही ईमेल आईडी लिया, आपका डेटाबेस ज्यादा भी हो सकता है, इससे बहुत ज्यादा हो सकता है। अब ईमेल आईडी में हमें करना क्या है पहले वो समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर नाम लेना है, मतलब जो ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी हमें यहाँ पर सिर्फ नाम रखना है, और ईमेल आईडी @gmail.com ये हमें यहाँ से हटा देना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, डेटाबेस यहाँ से कॉपी कर लेना है, हमें इस डेटाबेस में चेंजेस नहीं करना है तो हमने कॉपी कर लिया, आपको उसी में करना है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर डेटाबेस यहाँ पर कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, मतलब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी आपको यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे जो डेटाबेस आपको चेंज करना है ये सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह में पूरा डेटाबेस आप सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल और एच बटन, कंट्रोल एच बटन प्रेस करना है।
फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है, एट द रेट और स्टार, मतलब एट द रेट पहले लिखना है फिर स्टार फिर यहाँ रिप्लेस ऑल। तो आप देखें यहाँ पे क्या है, नाम हमारे आ जाते हैं, बाकी जो हमारा जीमेल वगैरह लिखा था वो हमारा यहाँ पे हट गया। लिखना क्या है वो आप यहाँ पर देख ले ध्यान से, आपको क्या लिखना है एट द रेट का सिंबल लगाना है पहले, फिर यहाँ पर स्टार का साइन आपको लगा देना है। ध्यान रहे बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं देना है क्योंकि हमारे ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होता है। रिप्लेस विथ हमें यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है, बस हमें यहाँ से रिप्लेस ऑल पे टिक कर देना और यहाँ पे हमारा आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये तो हमारे लिंक में, पर नाम तो हमें लिंक में रखना नहीं, तो हमें जो यहाँ से लिंक आ रहा है ये भी हटाना है। तो उसके लिए पूरा डेटाबेस आप सेलेक्ट कर ले, हमारा इतना यहाँ पर डेटाबेस ज्यादा हो तो भी आप सेलेक्ट कर ले पूरा। फिर आपको राइट क्लिक करना है, क्या करना है, राइट क्लिक आपको करना है माउस से, यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देखें क्या लिखा है सबसे नीचे यहाँ पर रिमूव हाइपर लिंक, रिमूव हाइपर लिंक पर आप यहाँ पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो आप देखें वहां पे जो हमारा हाइपर लिंक था वो हाइपर लिंक हमारा वहां से हट जाएगा, मतलब हमारा खाली यहाँ पर अब नॉर्मल डेटाबेस से जो हाइपर लिंक हमारा था वो हाइपर लिंक हमारा वहां से हट गया। तो इस तरह से आप एडवांस फाइंड ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी से नाम अलग करना है तो नाम अलग कर सकते हैं, या मान लीजिए आपको फर्स्ट नेम यहाँ पर रखना है या लास्ट नेम रखना है। तो इस तरह से आप एडवांस फाइंड ऑप्शन का यूज करके यहाँ पर स्टार साइन या एस्टिक साइन आप बोले या मल्टीप्लाइंग साइन, मतलब इस साइन का आप यूज करके यहाँ पर ये सारे काम आप कर सकते हैं और अपना काम बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, मैसेंजर पर, जो भी आप यूज करते हैं वहां पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और आज के वीडियो से लेकर आपके मन में कोई क्वेरीज हो, डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उन्हें भी जरूर देख लें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।